सभी का स्वागत है हमारे चैनल चारू चौधरी में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप अपने बेबीज को किस तरीके से एक्टिव बनाए रख सकते हैं। तो ये बेबी 5 मंथ्स की है, अनायरा इसका नाम है। और कई सारे लोग जैसे कहते हैं हमारा बेबी बहुत सुस्त रहता है, कैसे एक्टिव करें। अभी ये जो बेसिकली हम एक्टिविटीज कर सकते हैं कि मैं इसको जब ये 3 महीने की थी, 3 से लेके थोड़ा हल्का हल्का ही उलट पुलट कर पाती थी। अभी ये 4th मंथ से अच्छे से पलट जाती है, घूम जाती है, बहुत सारी एक्टिविटीज जो है ये अपने आप कर लेती है। तो इसी वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कैसे आप बेबीज को एक्टिव बनाए रख सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, कुछ छोटे से खिलौने हो। देखिए इसको चश्मा जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, परंतु चश्मा ऐसी चीजें ना दें जो कि तिकोनी हो या फिर उसका कुछ भी तार आंख में लग सके। कोशिश ऐसी कीजिएगा ऐसे खिलौने दें या ऐसी अट्रैक्टिव चीजें दें जो कि कलरफुल हो और जिससे बच्चे को लगने का डर ना हो। तो देखिए अभी एकदम से बच्चे को जैसे खिलौना दिखा बच्चा एकदम एक्टिव हो जाता है बेबी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा खिलौना जो है उसको आप आगे बढ़ाइए ताकि बेबी जो है वो आपका एक्टिव हो जाए। और जैसे ही बच्चा जो है वो उसको हिलाते रहिए ताकि बेबी को लगे कि ये बहुत ही अट्रैक्टिव चीज है। अगर आप बेबी को क्रॉल करना सिखाना चाहते हैं कि बच्चा क्रॉल कैसे करे, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। क्रॉल करने की जो स्टार्टिंग है वो इसी तरीके से होती है कि बेबी जो है वो अपने घुटनों पे खड़ा होता है, क्योंकि अब ये बहुत छोटी है इतनी जल्दी नहीं कर पाती, तो ये थोड़ा सा क्रॉल करने की कोशिश करती है और गिर जाती है फिर। तो यही कहते हैं ये टाइप की अगर आप एक्टिविटी कराना चाहते हैं तो आप नीचे जमीन पे ना कराएं, ये आप कराने के लिए बेड पे गद्दे पे कराएं ताकि बेबी के लगे नहीं। तो देखिए ऐसे करते करते अब इसको थोड़ा सा आप दूर रख सकते हैं ताकि बच्चा जो है वो थोड़ा क्रॉल करे, एक्टिव होए। बच्चे के एक्सरसाइज होने भी बहुत जरूरी है। कई सारे लोग कहते हैं बेबी खाना नहीं खाते, तो देखिए बेबी खाना खाने के बाद पड़े रहेंगे, कोई एक्टिविटीज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली भूख नहीं लगेगी। हम बड़ों को भी नहीं लगती तो बच्चे को कैसे लगेगी। तो बच्चों के साथ में आप इस तरह की एक्टिविटीज काफी करते रहिए। देखिए दूसरी एक्टिविटी आपको ऐसे करनी है क्योंकि आप इसको बैठना भी सिखाना चाहते हैं धीरे धीरे, तो कोशिश कीजिए ऊपर की तरफ खिलौना रखें और कोशिश करें कि बच्चा जो है उसको लेने के लिए थोड़ा वेट करे या कोशिश करे कि मुझे ही लेना है। देखिए अगर हो सकता है बच्चे के हाथ में आ गया उसको कोई चीज अट्रैक्ट नहीं करी, अभी ये दूसरा खिलौना उसको अट्रैक्ट कर रहा है जिसके लिए वो हाथ जो है वो बढ़ाना पसंद करेगी। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं एक ही खिलौना अगर आप उसको बार बार दिए जाएंगे तो वो कोशिश करना बंद कर देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि खिलौने जो सामान है आप उनको दे रहे हैं वो चेंज करते रहें, क्योंकि अभी इस खिलौनों को लेने के लिए काफी देर दौड़ ली वो और बच्चे को खिलौना मिल गया तो इंटरेस्ट जो है इस खिलौने के लिए खत्म हो गया। अभी ये दूसरा इसको मिला है तो ये इसको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो कोशिश कीजिए कि बच्चा जो है, देखिए अभी ये छोड़ना नहीं चाह रही है इसको, करते रहते हैं तो बच्चे क्या बहुत एक्टिव होते हैं। एक्टिव होने से क्या होता है, थकते हैं, भूख लगती है, खाना प्रॉपर खाते हैं, डाइजेस्ट हो पाता है उनका खाना। तो बच्चे बेसिकली मेन बात कहने की है रोते नहीं है, बिजी रहते हैं। तो अगर आप अपने बेबी को एक्टिव बनाना चाहते हैं तो थोड़ा एक्टिव आपको अपने इन बच्चों के साथ होना पड़ेगा, ताकि आप भी एक्टिव रहेंगे तो बच्चा जो है वो कोशिश करेगा कुछ चीज लेने की, कुछ चीज दौड़ने की, जल्दी क्रॉल करने की। इतना थकान से भूख लगेगी, भूख लगने के बाद खाना खाएगा, फिर से वो सारी एक्टिविटीज करेंगे तो उससे क्या होता है बच्चा जो है वो एक्टिव बना रहता है। तो कुछ कुछ एक्टिविटीज बच्चों को देने की, राउंड घुमाइए, कभी सामान जो है वो ऐसे ऐसे सरकाते सरकाते उसको राउंड घुमा सकते हैं। मिटू लो आओ। तो ये एक्टिविटीज अगर आप डेली करते हैं, और इससे ये भी है कि बच्चे की पसंद भी है आपको पता चलती है। मान लीजिए आप तरह तरह के खिलौने हो गए, सामान हो गए, आप चारों तरफ रखते हैं, बच्चा किस तरफ जाता है। अभी देखिए बच्चे को इतना बड़ा खिलौना
बेबी को वो छोटा सा खिलौना जो है वो ज्यादा पसंद आ रहा है। तो हो सकता है कि बेबी की जो पसंद है वो आपको धीरे धीरे पता चलती है। लो बेटू, यही बताना चाहती थी किस तरीके से आप बच्चों को एक्टिव बनाए रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनायरा की भी तरफ से। थैंक यू।